पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लीपड्रॉइड एमुलेटर की मदद से फ्री फायर को अपने 1GB रैम वाले पीसी लैपटॉप में प्ले करेंगे। लीपड्रॉइड एक ऐसा एमुलेटर है कि जिसको आप किसी भी टाइप के पीसी में प्ले कर सकते हो। तब भी मैं स्क्रीन पे जो है वो लीपड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट की सिस्टम रिक्वायरमेंट को जो है वो डिस्प्ले कर दूंगा। इसी के अलावा लीपड्रॉइड एमुलेटर का जो है वो नया अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको बहुत सारे बग एंड ग्लिचेस जो कि लोडिंग पे स्टक हो जाना, सारे के सारे इश्यू जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आपके पास फ्री फायर का बैकअप पड़ा है उसको भी आप जो है वो पेस्ट कर सकते हो। सारी की सारी चीजें इस वीडियो में इंक्लूड है, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। लीपड्रॉइड एमुलेटर का लेटेस्ट वर्जन जो है वो आ चुका है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर हमारा एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। एमुलेटर को इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर फ्री फायर डाउनलोड करेंगे। फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने जो है वो ब्राउजर में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्री फायर ओबीबी डाउनलोड। पहली वेबसाइट आएगी, इसको लॉन्च करें। जितने भी अपडेट आएंगे इसी वेबसाइट में आएंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एपीके एंड ओबीबी मिल जाएगा, यहाँ से आप फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी देख सकते इसको डाउनलोड करके रखा है एंड एक फाइल के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसके अपडेट के अंदर आपको इनबिल्ट फाइल मैनेजर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो है इसकी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आपको साइड में चले जाना है इसकी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक शेयर का फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक कर देना। तो हमारी जो फाइल्स है वो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट है, देख सकते हैं यहाँ पर फ्री फायर का फोल्डर है। लॉन्च कर लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना एंड हिट ओके। आपको करना क्या है, यहाँ से अपना जो एमुलेटर है उसको कम्प्लीटली बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने लीपड्रॉइड एमुलेटर को अगेन लॉन्च करना है। अब आपको यहाँ पे जाना है अपने फाइल मैनेजर में एंड यहाँ पर आपको होम बटन में जाना है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा MNT का, इसको ओपन करें। शेयर फोल्डर के अंदर जाएं, यहाँ पर आपको शेयर फोल्डर के अंदर जाना है, लीपड्रॉइड शेयर के ऊपर जाएं एंड यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम एपीके को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर एपीके इंस्टॉल हो चुका है, इसको लॉन्च करेंगे। जैसे ही आपको थोड़ा सा लॉन्च हो जाए उसके बाद इसको बंद कर देना। उसके बाद आपने दोबारा अपने फोल्डर में जाना, जो 300 MB का आपने ओबीबी फाइल डाउनलोड की थी उस पर होल्ड करें एंड यहाँ से इसको कॉपी करें। उसके बाद यहाँ पे होम बटन में जाएं, SD कार्ड का ऑप्शन मिलेगा इसमें जाएं, यहाँ पर एंड्रॉइड ओबीबी कॉम डॉट फ्री फायर यहाँ पर लाकर 3 डॉट पे क्लिक करें एंड हिट पेस्ट। अब ये तो हमने फ्री फायर को भाई कर लिया इसमें इंस्टॉल, यहाँ पर इसके लैग को हम थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। अब आपको मैं कुछ रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ, उनको ध्यान से सुन लेना। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो एंड है तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड नहीं है, रैम भी 1GB है, तो आप यहाँ पे रखेंगे 800 और 600 की रेजोल्यूशन आपको रखनी है। लेकिन अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है तो आप जो है वो बाय डिफॉल्ट रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो जा सकते। इन दोनों को आपको यहाँ से डिसेबल कर देना। ग्राफिक कार्ड में जाना DirectX Plus रिकमेंडेड है, यही रखो। इसके ऊपर जाने के बाद आपको एक दफा अपने पीसी को रिस्टार्ट कर देना, आपकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यही सेटिंग रखी हुई है, तो मैं इसी सेटिंग में जाऊंगा। इसकी सेटिंग में एप्स में जाना है, यहाँ पर आपको अननेसेसरी जितने भी ऐप है जिसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना। यहाँ पर सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए, इसको बंद कर दो। यहाँ पर हमारा 50% जो है ना लैग रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अभी असल जो जड़ है वो है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर ही मेन रीजन है जिससे ज्यादा एमुलेटर लैग करता है। तो आपने जाना है सेटिंग में, एप्स में जाना है एंड यहाँ से सबसे पहले करना है कि गूगल प्ले सर्विसेज को यहाँ से डिसेबल मार दो। उसके बाद यहाँ पे जाओ गूगल प्ले स्टोर में एंड उसे भी डिसेबल कर दो। यहाँ पर हमारी सेटिंग हो चुकी है सारी की सारी कंप्लीट। अब हमें करना है क्या, फ्री फायर को लॉन्च करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एमुलेटर लॉन्च हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा जो है वो स्मूथ चल रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना है, तो साइन इन करने के लिए आपको करना है कि यहाँ पर आपको ब्राउजर मिलेगा, आपको इसमें जाना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको ईमेल एंड पासवर्ड डालने के, यहाँ से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप करोगे क्या, यहाँ से जो है वो साइन इन हो जाओगे। अब यहाँ पर हम इसकी की मैपिंग करेंगे। हालांकि मैंने इसकी डिटेलिंग की मैपिंग जो है वो बनाई हुई है, ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। अगर यहाँ पर स्मूथनेस की बात की जाए तो भाई ये एमुलेटर
बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा स्मूथ आपकी गेम को चलाता है। मतलब कुछ एमुलेटर जैसे विड्रो एक एमुलेटर है, ठीक है। अब वो एमुलेटर ना आपकी गेम को बहुत ज्यादा टिका देता है। इस एमुलेटर में ये सीन नहीं है भाई, ये बहुत ज्यादा स्मूथ चलाता है। हालांकि वो भी लो एंड पीसी में चलता है, ये भी लो एंड पीसी में चलता है, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और जो इसका नया अपडेट आया इसमें जो है ना लिब्रेड वालों ने इसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।